फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल है स्विमिंग बाय मनी, दूसरा टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज की वीडियो है बिगनर्स के लिए, बिगनर्स मतलब कि हाउ टू लर्न स्विमिंग। एक मेरा दोस्त है अमित, जिसको अभी मैं सिखा रहा हूँ, उसका आज तीसरा दिन है। और सबसे फर्स्ट स्टेप है बबलिंग। तो ब्रीथिंग मैंने वैसे भी बताया हुआ है, अभी क्या है, अभी मैं दिखा दूंगा उसको कि बिगनर कैसे करते हैं, क्या क्या कमी रहती है बिगनर्स में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और उसके ऊपर फालतू का मैसेज मत डालना। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, दूर नहीं हो रही, तो आप एक वीडियो क्लिप बना के डाल सकते हो, ठीक है, जिसके कारण मैं आपकी कमी बता दूंगा और आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बिगिनर के लिए एक चीज़ बता देता हूँ, बिगिनर को अपनी हाइट के हिसाब से पानी में जाना है और दीवार के साथ ही रहना, दीवार से दूर मत जाना। मैंने एक पॉइंट नोट किया है कि जो बिगिनर्स होता है वो कम पानी में बार बार खड़े होने की कोशिश करता है, जिसके कारण उसके पैर स्लिप करते हैं, वो बार बार गिरता है। तो क्या करना है, अब सपोज़ करो आपकी हाइट 3 फुट है, या फिर आप छोटे बच्चे हो या बड़े हो, अपनी हाइट के हिसाब से कॉन्टिन्यूली यहाँ तक पानी आना चाहिए, यहाँ नहीं यहाँ तक रख लो, क्योंकि मिनिमम इतना पानी आना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी बॉडी ऐसे सीधी खड़ी रहेगी, जैसे ही आप पानी में कम पानी में जाओगे वैसे आपकी बॉडी पैर उठने लग जाएंगे, जिसके कारण आप नीचे जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं टिप्स। और ब्रीथिंग कैसे करनी है मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। आपने नाक से सांस नीचे जाके छोड़नी है, छोड़ते छोड़ते जाना है और बाहर आके मुँह से लेना, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो अब चलते हैं बिगिनर के पास, बिगिनर क्या कर रहा है, मतलब कि उसका पहला स्टेप मैं ब्रीथिंग दिखाऊंगा, जो कि उसको अच्छे से आ गई है, ठीक है, मतलब कि गहरे में भी चला जाता है, गहरे में मतलब कि वो 5-6 फुट में चला जाता है। तो अब उसके लेग स्टेप है, फ्लोटिंग भी कर लेता है और अब किकिंग के ऊपर वर्क कर रहा है। किकिंग में जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा, तो चलो दिखाता हूँ। तो अभी वो किकिंग कर रहा है, पर दिक्कत क्या है उसकी किकिंग में मैं बता देता हूँ। वो जो किकिंग कर रहा है, उसने किकिंग की प्रैक्टिस बाहर नहीं की, इसलिए उसकी किकिंग ऐसे फोल्ड हो रही है, ठीक है। ऐसे किकिंग फोल्ड होने का कारण एक ही रहता है, क्योंकि बाहर किकिंग नहीं की। तो मैं इसका 3 दिन का शेड्यूल दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, कल की वीडियो में, अब इस वीक में शायद मैं ज़्यादा वीडियो डाल दूँ, या फिर जब तक ये नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाता मैं वो भी डाल दूँगा, ठीक है। जैसे ये नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा, अभी इसकी फ्लोटिंग चल रही है, ठीक है। अभी ये चेक कर सकते हो कि इसके जो पैर चल रहे हैं वो गलत चल रहे हैं, लगभग ये सबके पैर ऐसे ही चलते हैं बिगिनर के। उसका रीज़न क्या है कि वो बाहर प्रैक्टिस नहीं करते, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ। तो बाहर प्रैक्टिस इसकी अभी कराएंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी ब्रीथिंग दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो ब्रीथिंग दिखाते हैं। अमित, अमित इधर आ जा। पहले पॉइंट नोट कर लो कि आपका पानी जो वाटर लेवल है वो यहाँ तक होना चाहिए, जिसके कारण आपके पैर नहीं उठेंगे और आप बार बार पानी में खड़े होने की स्टैंड नहीं करोगे, आपके नाक में पानी नहीं जाएगा। चलो अमित ब्रीथिंग करो। इसका फर्स्ट टाइम में मैंने इसको ब्रीथिंग सिखा दी थी, तो अब ये ब्रीथिंग अच्छे से कर रहा है, ये चेक कर सकते हो, जब ब्रीथिंग अब अच्छे से कर रहा है। यही चीज़ आपने करनी है, जैसे कि अब ये यहाँ से पूल डीप होता जाएगा वहाँ तक, तो इसको ब्रीथिंग आ गई, क्योंकि 3 दिन हो गया इसके, ठीक है। अब ये फ्लोटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता है, किकिंग के ऊपर है, किकिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसमें केवल बंदा नॉर्मल है जो नर्वस हो जाता है, और वीडियो अगर लंबी होगी उसके लिए सॉरी, बिगिनर्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेप टू स्टेप ऐसे ही करना है आपने, जैसे मैंने बताया है, ठीक है। आपने सबसे पहले ब्रीथिंग के लिए, आपने पहले दिन ऐसे कंटिन्यू नहीं चलना, पहले एक दिन ही एक जगह पर ही करनी है, ठीक है। एक जगह पे ब्रीथिंग करोगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके बाद आपने धीरे धीरे जाना है आगे, ठीक है। जैसे इसकी ब्रीथिंग अच्छे से होगी, कंटिन्यू होगी, बीच में ये अभी भी पकड़ लेता है, वो बात अलग है, कोई बात नहीं, इतना थोड़ा रहता ही है, ठीक है। अभी आप चेक कर सकते हो इसकी ब्रीथिंग। एक मैंने आपको पानी से, पानी के अंदर भी दिखाई देता हूँ, अगर कैमरा रुक गया तो उसका कुछ कर नहीं सकते। पानी में ये क्या कर रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप पानी में चेक कर सकते हो। ये आपने पानी में देख लिया ये क्या कर रहा था, पर जूम हो रहा था उसके लिए सॉरी, उसका कुछ कर नहीं सकते। इधर आ जा। अब ये यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये ज़्यादा डीप जा रहा है, और इसमें ज़्यादा डीप जाने के बावजूद भी क्या कहते हैं, अब ये कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि इसने प्रैक्टिस की है अच्छे से। एक बार पानी से दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए ब्रीथिंग कैसे करनी है, और इसका भी पता लग जाएगा ये मुँह से कर रहा है या नाक से कर रहा है। थोड़ा डीप तक जा, नीचे तक। दिक्कत आती है फ्रेंड्स यहाँ पे, आप ब्रीथिंग करते करते सांस को बीच में रोक लेते हो, ये गलती करते हो। एक बार फिर पानी के अंदर से, आपने इसका सेशन जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट डे में जो इसने किया था वो देख लिया। ये अब फ्लोटिंग में है, फ्लोटिंग में इशू आता है, तो वो चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है। फ्लोटिंग देखो इसकी काफ़ी अच्छी हो गई है, ये इसका तीसरा डे है, ठीक है। अब किकिंग के ऊपर वर्क कर रहा है ये,
अभी मैं बस दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये दो दूसरा तीसरा दिन है इसका। अब तीसरा दिन जो किकिंग के ऊपर वर्क करेगा तो अपने आप किकिंग सुधर जाएगी। किकिंग के ऊपर कितना दिन लेता है, कितना टाइम लेता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि इसने किकिंग की प्रैक्टिस बाहर नहीं की और साउंड क्लैरिटी कैसी होगी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने पानी के अंदर मोबाइल दबाया था तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, उसके लिए सॉरी। तो फ्लोटिंग में क्या करना है, आपने फेफड़ों में सांस रोक लेना है, ठीक है, मतलब कि भर लेना है। उसके बाद पैर को नीचे से हल्का सा पुश लेके आपने सिर्फ होल्ड करना है। अभी चेक कर सकते हो इसका होल्ड बिल्कुल सही है, समझ सकते हो। आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, अभी रुको। जैसे पहले इसने वो फ्लोटिंग की, फिर इसके साथ किकबोर्ड पकड़ ली, किकबोर्ड पैर नहीं चलाने अच्छा। कले सिर्फ पुश लेना है, उसके बाद किक के साथ आपने फ्लोटिंग करनी है, किकबोर्ड के साथ फ्लोटिंग करनी है। किकबोर्ड आप कोई भी ले सकते हो, जैसे चेक कर सकते हो। इससे क्या होता है, इससे हमें फ्लोट करना आ जाता है, नीचे से पुश लेना आ जाता है, जिसके कारण हम इजीली स्विमिंग कर सकते हैं और हम इजीली पैर चला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अभी चेक कर सकते हो, ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, टिप्स होती हैं, जो कि सिर्फ मेरे चैनल पे मिलते हैं, वो भी हिंदी में ना, क्या बात है। फ्रेंड्स एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, जो कि मैंने बताना था वो मैं भूल गया, उसके लिए आप फ्लोटिंग पे कंसंट्रेट करो। आप चेक कर सकते हो कि तीसरे दिन में इसका फ्लोटिंग है। तो वैसे आज किकिंग की प्रैक्टिस करनी थी, ये मैं वीडियो बनाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, और है ये बिगनर है, बिगनर का तो बिगनर ही हो सकता है। ओके अब यहाँ पे कर फ्लोटिंग। तो फ्रेंड्स जो अभी इसने राउंड मारे ना, वही राउंड आपने कंटिन्यू मरवाने हैं, ठीक है। तो अभी ये इधर आने लग गया, मैंने बोला यहीं पे कर, टांगे सीधी होनी चाहिए, ये टांगे लेग्स आपकी भी नीचे जाती होगी, पर जेन्युइन ही है, बिगनर की जाती है। बिगनर की क्यों जाती है मैं बता देता हूँ, क्योंकि उसको लेग्स लूज नहीं छोड़ने आती, इसलिए कर 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 ये चेक कर सकते हो। ओके मैं ब्रीथिंग के लिए एक चीज़ बता देता हूँ कि आपने सांस कैसे होल्ड करना है, इसी को बोलता हूँ, ये आपको करके देता हूँ। ओए ओए उधर आइयो। तो फ्रेंड्स कैसे ब्रीथ होल्ड करनी है ये चेक कर सकते हो। पहले ब्रीथ होल्ड कर, जैसे ब्रीथ होल्ड कर ली, जा तुरंत अंदर चला जाना, ब्रीथ होल्ड कर लेनी है, लंबा सांस लेके जैसे, फिर रोक लेना है, उसके बाद आपने बंद कर देना है। फिर आपका जो बॉडी अपर है वो ऊपर रहेगा, जिसके कारण आप बार बार नीचे नहीं जाओगे। लेग्स में सांस कभी नहीं रोक सकते, अगर आप मोटे बहुत ज़्यादा हो तो लेग्स आपकी फ्लोट अच्छे से करेगी। रीज़न क्या है, जो मास होता है उसके कारण आप ऊपर तैर सकते हो आसानी से, नहीं तो लेग्स बार बार नीचे जाएगी। बाकी इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं किकिंग के ऊपर, आपको समझ में आ गया होगा। अभी इससे पहले जो आपने देखा है फ्लोटिंग के साथ जो कर रहा था, वो आपने भी करना है सेम, पहले उससे पहले ये स्टेप है, ठीक है। तो चलो आप कर देगा, इसका वर्क है जो किकिंग करनी है। तेज कर, गुट्ठे को मत कर, गुट्ठे को ऐसे मत कर, पैर को कर, पैर का एंकल, हाँ तेज, स्पीड का है, और तेज, स्लो है, अभी भी स्लो है, इसकी स्पीड डबल होनी चाहिए, और एंकल नहीं मुड़ रहा, हाँ पैर सीधे होने चाहिए दोनों के। तो फ्रेंड्स इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। अब हाथ दोनों ऊपर कर ले, ऐसे हाथ कर ले दोनों ऊपर दोनों, हाँ अब चला, हाँ चला। तो फ्रेंड्स इससे जो पेट की यहाँ की चर्बी होती है ये भी ख़त्म होती है, इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो भी बना रखी है, आप देख सकते हो। अभी ये पैर की स्पीड बहुत स्लो है, इसमें ट्रिपल स्पीड होती है, जो कि मेरी आपने वीडियो में देखी होगी। इसको तेज चला, अब पैर पानी में सिर्फ हल्के से टच होने चाहिए, पर पानी में टच हल्के से होनी चाहिए, एडिया पर पैरों की स्पीड होनी चाहिए तेज। चल 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 चल। सॉरी फ्रेंड्स, बीच में वो चर की आवाज़ आ रही थी, वो इसलिए आ रही थी क्योंकि बीच में मैंने वीडियो बनाते मोबाइल को हेडफोन के साथ ही पानी में डुबो दिया था, उसके कारण आ रही है। तो उसके लिए मुझे बैकग्राउंड में साउंड का आती बड़ी, जितनी तेज मेरी फिंगर्स चल रही है इतनी तेज पैर चलने चाहिए, तभी आपकी बॉडी आगे जाएगी। बट एक बात ध्यान रखना कि जो मैंने वीडियो बनाई है, बल्कि मैं जो चीज़, सॉरी फ्रेंड्स खांसी आ गई थी बीच में, मेरी तबीयत खराब है। तो फ्रेंड्स पैर तेज चलने चाहिए, बाहर प्रैक्टिस आपने ज़्यादा करनी है, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम आप अप्लाई करते हो तो आपको 5 दिन में स्विमिंग आ जाएगी। पर डिपेंड करता है कि 5 दिन में आपने कम से कम 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है हर एक 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 चीज़ की, और 5 दिन में आपको स्विमिंग आ जाएगी। उसके बाद कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे, जिसके कारण आपकी स्विमिंग बेटर होती जाएगी, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे बेटर होता जाएगी। मतलब कि 5 दिन में आपको तैरना आएगा, प्रोफेशनली बनोगे पर सीख जाओगे, ठीक है। अभी जैसे ये बिगिनर है तो इसमें इसने बाहर की, मतलब कि तीसरा दिन है इसका, किकिंग का दिन है आज, ठीक है। फ्लोटिंग ये अच्छे से करने लग गया, ब्रीथिंग ये अच्छे से करने लग गया, ठीक है। मैं तो आई होप कि इसके मैं जो पार्ट आएंगे साथ के साथ देता रहूँगा, जैसे जैसे किकिंग फ्री होगी, किकिंग सही होगी, तो जो मैंने पीछे दिखाया ये भी दिखाऊंगा कि कितना स्मूथ हो गया। तो आपने रोज़ की रोज़ सारी प्रैक्टिस साथ में करनी है, ये नहीं कि आज आपने नेक्स्ट डे आ गया तो आप किकिंग की प्रैक्टिस करो, ब्रीथिंग नहीं करनी, ब्रीथिंग भी प्लस ऐड होनी चाहिए, जो आपने पीछे किया वो भी प्लस ऐड करके उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर, सॉरी फ्रेंड्स
खांसी आ रही है बहुत ज्यादा, उसके लिए सॉरी। तो चलो आगे एंड करते हैं वीडियो का। 3 दिन का वर्क आपने देख लिया है, मतलब तीसरे दिन का वर्क इसका चल रहा है, किकिंग की प्रैक्टिस। वहां पे ब्लॉक पे जा, ओए उस ब्लॉक पे चला जा। तो अभी ये ब्लॉक पे किकिंग करेगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे नहीं करनी, ब्लॉक पे चला जा, ब्लॉक में ये बाहर आ जाएगा तो बाहर किकिंग करेगा। तो फ्रेंड्स आपने सेम शेड्यूल अप्लाई करना है, कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। वो गड़बड़ी जो आएगी वो आएगी आएगी, पर उसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाई होती है कि बाहर प्रैक्टिस करो, बाहर प्रैक्टिस। ना ना ना, ऊपर बैठ के ना ना, बाद में उतार लियो, उतारने का दिक्कत होगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये स्विमिंग अच्छी लगी होगी और सीखने में भी काफ़ी बढ़िया रहा होगा आपको। और बिगनर्स के ये तीसरा तीन दिन थे, और जब इसकी किकिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा कि आज की प्रैक्टिस रहेगी। और डिपेंड करती हूँ, जैसे मैंने वीडियो बनाई थी कि 5 दिन में स्विमिंग कैसे, 5 दिन में मिनिमम 2 से 2.5 घंटे आपको एक दिन में देने पड़ेंगे। एक दिन में 2 से 2.5 घंटे दोगे तब आप 5 दिन में स्विमिंग कर सकते, ठीक है। 5 दिन ये नहीं, आपने 1.5 घंटा प्रैक्टिस की चलेगी, एक दिन हो गया, दूसरी दिन भी चलेगा। पब्लिक अगर आप आ भी गई आपको तो प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अभी ये 5, 5.5 फुट में गया हुआ है, बट इसको धीरे धीरे 8 फुट में लेके जाऊंगा तो कॉन्फिडेंस इसका बढ़ेगा, क्योंकि अभी इसको लॉन्ग ब्रीथिंग नहीं करनी आती। लॉन्ग ब्रीथिंग इसलिए नहीं, पैर ऊपर करे, हाँ अभी इनकी स्पीड बढ़ा, पैर पानी में ऐसे नहीं चलते। फ्रेंड्स अभी ये प्रैक्टिस कर रहा है, ये चेक कर सकते हैं, अभी ये पोल पे बैठ के डाइविंग बोर्ड पे बैठ के ये किकिंग कर रहा है। और किकिंग आपने बाहर इतनी प्रैक्टिस करनी है वो आप घर में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आपने पूल में आके बाहर टाइम वेस्ट करना है, आप ये छोटी मोटी प्रैक्टिस घर कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिस तेज करने से इसकी स्टमक मूड होगा, जो फैट है वो चली जाएगी, और काफ़ी बेनिफिट मिलता है। मतलब कि सुबह अभी मॉर्निंग के मैंने आज तो मैंने मुंह नहीं धोया, मैं ऐसे आके वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छी लगेगी, सारी चीज़ अच्छी लगेगी। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप पूछ सकते हो गबरू से, तेज झिझक, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। और इसके सारे आपको पार्ट दिखाऊंगा जिसके कारण आपको काफ़ी मोटिवेट मिलेगा। एक बिगनर बिगनर ही होता है, जो मिस्टेक होती है वो आपको पता लगेगी, हमारी भी सेम मिस्टेक होती है, सबके सभी बिगनर की एक ही मिस्टेक होती है, क्योंकि कैचिंग पावर अच्छी है तो वो जल्दी जल्दी इसको रिकवर कर लेते हैं। लेग्स बार बार नीचे जाएगी कोई बात नहीं, पर फ्लोटिंग में 1 से 2 सेकेंड ऊपर रहती है। उसके बाद अगर आप अच्छे से फ्लोटिंग करनी सीख जाते हो, जैसे कि पुश मार के कर रहा था किकबोर्ड के साथ, वो आप करोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जैसे ही आपकी लेग्स ऊपर आएगी उसके बाद आप लेग्स चलाने लग जाओगे, जैसे कि अमित अभी चला रहा है, जैसे कि प्रैक्टिस कर रहा है, लेग्स तेज चलनी चाहिए और जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी उतनी आपके लिए बेटर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो एंड करें, और हाँ मेरे स्विमिंग बाय मनी, टेक्निकल लवली मनी, टिकटॉक सभी जगह फॉलो कर लेना। और मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलनी थी जो कि मैं भूल रहा हूँ, ब्रीथिंग कैसे रोकनी है, ये इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गया। ये देखो ये अभी पैर चला रहा है, इसको हम पीछे बैठा देंगे। ओ तीसरे नंबर ब्लॉक पे चला जा, जा 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 भाग जा भाग जा, ये जा कैमरा, जा 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 चला जा। तो फ्रेंड्स ब्रीथिंग कैसे रोकनी है, ब्रीथिंग रोकने के लिए जैसे आपने पानी में जाना है, आपने पकड़े हुए आँख से होल्ड, ब्रीथिंग छोड़नी नहीं है, होल्ड कर लेनी है, फिर आपने रोक लेनी है, जिसके कारण आपके चेस्ट में हवा भर जाएगी, हवा भरने के बाद आपकी फ्लोटिंग होने लग जाएगी। पैर तेज चला, और क्या कहते हैं, फ्लोटिंग होएगी, उसके बाद आप इजीली किकिंग कर सकते हो। सारा कुछ बता दिया मैंने, बस बता दिया मैंने, वो डॉक्टर नहीं, ये पीछे आ गए, तो अब मैं पैसे नहीं देने वाला। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू बच्चा, हाँ अगर अच्छी लगी तो लाइक। तो फ्रेंड्स ये है स्विमिंग बाय मनी, जिसके ऊपर आप स्विमिंग देख रहे हो, बिगनर्स के लिए जो ट्रेंड हो रहे हैं धीरे धीरे, रिव्यूज भी आते रहिए। टेक्निकल लवली मनी चैनल, इसको भी सपोर्ट करें, इस पर मैं गैजेट्स की अनबॉक्सिंग करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, इसी तरह आपको वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू वॉच द वीडियो।